धुआं हो गए सारे, वो जो बेमतलब के वादे थे धुआं हो गए सारे, और जो सच था जल रहा था और जला रहा था। मोहब्बत ऐसा है कि अधिकतर महबूब के साथ क्या होता है कि आदमी कोशिश करता है कि बयान करते हैं, तो एक मैंने भी ऐसी कोशिश करी थी, तो कहाँ फेल हुआ उसके ऊपर है कि बड़ी मुद्दत के बाद सोचा था कि ना ये है मोहब्बत, बड़ी मुद्दत के बाद सोचा था कि ना ये है मोहब्बत मैंने अपनी, और तेरी निगाहों में फिर से झूठा सा। जिसकी तलाश में न जाने कितने दर तलाशे थे, जिसकी तलाश में न जाने कितने दर तलाशे थे मैंने, उसने बाहों में लेके सुकून के मायने ही बता दिया। ये मैं अपने ऊपर लिखा, मतलब मेरी आदत है कि अपने ऊपर है कि मेरे अधिकतर के साथ होता है कि जब कुछ होता है तो थोड़ी देर सहम जाते हैं, तो उसी को मैंने लिखा था कि मतलब सहमने का मतलब कि अपने आप को शांत कर लेते हैं, उसको पता लिखा था कि अब ये तूफान आया है, अब ये तूफान आया है थोड़ा ठहर के ही जाएगा, अब ये तूफान आया है थोड़ा ठहर के ही जाएगा, जो सोच के कश्ती किनारे लगा है। मेरा मानना हमेशा से रहा है कि लोग कोशिश करते हैं प्यार में धोखा खाते हैं, लेकिन जो रिकवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए हमेशा वो इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा मोहब्बत करते हो कोशिश करो लेकिन रिकवरी वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। बहुत बार इसी को मैंने कहा कि, और उसमें थोड़ा सा कड़वापन भी और थोड़ा सा ये भी है कि क्या सोच रहा हूँ मैं उसको, मैंने कि जब दिल के गलियारों में धूल जमा हो जाती है, समय बीतता है जब दिल के गलियारों में धूल जमा हो जाती है तब तीखी से दूर कहीं सोचे हैं बन मगरूर कहीं, कि वो जो बैठे हैं दूर कहीं सोचे हैं बन मगरूर कहीं, कि मैं दर्द की कश्ती में हो जाऊंगा मैं, वो जो बैठे हैं दूर कहीं सोचे हैं बन मगरूर कहीं, मैं दर्द की कश्ती में हो जाऊंगा मैं, पर ये जो दर्द का बादल है आंधी के आगे, पर ये जो दर्द का बादल है आंधी के आगे झूठा है वक्त बड़ा था इसके लिए, साथ रहे कोई पास रहे, और कितनी दुआ करो दोस्त रहते हैं साथ में सब कुछ ही करता कि कोई साथ रहे कोई पास रहे, बस इतनी दुआ करो यार हूँ वरना इस दम के दरिया से कश्ती तो डूब ही जाती है। एक गजल लिखी थी, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था वो सुनाने की, बड़ा मेरे को पसंद आई थी, तो भाई लोगों को सिखाया कि भाई से खास कर प्रेरणा ली और भाई से, तो एक गजल लिखी थी वो सुनाने की कोशिश करना उसका है। उसके बाद एक नज्म है साथ थोड़ा मैंने सुना का सुना, तो ये कहता है कि सोचता हूँ अपने हालात में दूँ, सोचता हूँ अपने हालात में दूँ, जो मुजमिर ही रखे मुझे वो बात नहीं दूँ, मुझे मतलब छुपा हुआ कि सोचता हूँ अपने हालात में दूँ, जो मुजमिर ही रखे मुझे वो बात नहीं दूँ, तुझे मैं पा ही गया तुझको खोकर, तुझे मैं पा ही गया तुझको खोकर, अब कि जिनको क्या मैं सीखी ना लिख दूँ, मेरे चश्म मुझे धुंधला नजर सता रहा है, मेरे चश्म मुझे धुंधला नजर सता रहा है, क्या अंदाजे से अपने जज्बात लिख दूँ, क्या अंदाजे से अपने जज्बात लिख दूँ, कि उन्हें एतबार कहाँ कि जख्म आज तक, कि उन्हें एतबार कहाँ कि जख्म आज तक हैं, क्या गुरेज के जख्मों को मैं इस बात लिख दूँ, अखबार कहाँ कि जख्म आज तक है, क्या गुरेज के जख्मों को इस बात लिख दूँ, शब्द एक बात के बाद मतलब कि तुझे खोकर फकीरी आ गई, तुझे खोकर फकीरी आ गई है, तो क्या फकीरी को दौलत की इस बात में बात लिख दूँ, और सबसे आखिरी है वो मुझे पसंद है आज के समाज के ऊपर गाना करके
यासीन बन गया महज में चोर खाकर, यासीन का मतलब था पापी, यासीन बन गया महज में चोर खाकर, दर्द को क्या मैं अपने साथ दी। अब मोहब्बत का सिनेरियो क्या है कि एक स्पेशल ओकेजन है और तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो बहुत दूर हो, लेकिन तुम चाहते हो कि अपने एहसास बनाए रखो, तो उसके ऊपर लिखी थी कि कभी सोचा नहीं था मैं यूं बहक, कभी सोचा नहीं था मैं यूं बहक जाऊंगा, मैं आज उससे दूर ढूंढते भी नहीं था, कभी सोचा नहीं था मैं यूं बहक जाऊंगा, मैं आज उससे दूर ढूंढते भी मुस्कुराऊंगा, हमेशा सोचा हमेशा सोचा कि दूरी महज मिराज है, मिराज होते लगती दूर है तो लगता होती रेत है लगता पानी, कि बहुत हमेशा सोचा कि दूरी महज मिराज है, फिर एक दिन मैं मिराजों से दूर ही जाऊंगा, मेरा लहजा जरा अजीब सा है, सुनो मेरा लहजा जरा अजीब सा है, देश में फकत सुनाऊंगा, मेरा इल्ज़ाम है मुझे मत कि मेरा इल्ज़ाम है कि तू मुझे मजबूत लगता है, तेरी आंखों में झांका तो डूब जाऊंगा, तेरे हवाले कर दिया है सफीना, तेरे हवाले कर दिया है सफीना, लगता है कि अब की बात हो ही जाऊंगा, मैं हूँ दीपक महज तू घर की रौनक, मैं हूँ दीपक महज तू घर की रौनक, ये याद करो बस पूरे।